हेलो एवरीवन, सो टुडे वी डील विद अनदर टॉपिक दैट इज़ अ फ्रूलेनिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द कंटेंट्स: इंट्रोडक्शन, देन गैमेटोफाइट, देन एनाटॉमी ऑफ गैमेटोफाइट, देन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड देयर लाइफ साइकिल. सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन? ठीक है, तो डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास हेपेटिकोप्सिडा. तो व्हाई वी पुट दिस प्लांट इन हेपेटिकोप्सिडा? बिकॉज the sex organ present in it develops from the single apical initial. मतलब कि जैसे अभी तक हमने देखा था कि जैसे कोई भी वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का, देन उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज़ आता है. तो रिप्रोडक्टिव फेज़ में जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, लाइक एंथीरिडिया एंड ऑर्चिगोनिया, जब बनना स्टार्ट होते हैं, तो जो स्टार्टिंग फेज़ है वो सिंगल सेल से होती है. सिंगल सेल कुछ आप बोल सकते हो सुपरफिशियली बिहेव करती है, उसमें कंटेंट एक्सेस होता है, वो एनलार्ज होती है. ठीक है, उसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो ज़्यादा होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज़्यादा आता है, और वो इंट्रोड्यूस करती है एज अ इनिशियल सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, तो इस वजह से इसको हेपेटिकोप्सिडा में रखा गया. देन जिंगर मैनियल्स, तो जिंगर मैनियल्स के जो मेन फीचर्स हैं, जिंगर मैनियल्स में प्लांट को क्यों रखा गया? तो सबसे पहले तो ये थैलॉइड या फोलियोज स्ट्रक्चर का होगा. देन इसमें वेजिटेटिव और फोटोसिंथेटिक और जो स्टोरेज फेज है उसमें डिवाइड नहीं होते हैं इसका टीएस. मतलब हमने जब मार्केंसियस देखा, तो मार्केंसियस में जब हम प्लांट का टीएस कट कर रहे थे, हमने देखा कि जो ऊपर का पोर्शन है टीएस में वो फोटोसिंथेटिक फेज है, और जो नीचे का है वो स्टोरेज रीजन है. लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जब हम कट करेंगे तो हमें फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज रीजन नहीं मिलेगा. ठीक है, देन मार्केंसियल्स में हमने देखा कि उसमें जो है स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स दोनों ही टाइप के प्रेजेंट हैं. बट जिंगर मैनियल्स में सिर्फ और सिर्फ स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स प्रेजेंट हैं, ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स एंड स्केल्स बोथ आर एब्सेंट. देन जो इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो गेमा कप के थ्रू हो रहा है. राइट, इसमें फूड, सीटा, कैप्सूल तीनों ही प्रेजेंट होते हैं, जबकि हमने मार्केंसियल्स में रिक्सिया में देखा कि उसमें सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होता है. जिंगर मैनियल्स के मेंबर्स में इलेटर भी मिलेगा और फुलेनिया में भी इलेटर है. तो ये सारे फीचर्स के बेसिस पे हमने कंक्लूड किया दैट दिस प्लांट्स बिलोंग टू द ऑर्डर जिंगर मैनियल्स, देन पुट इन द फैमिली फ्रूलेनेसी एंड जीनस फ्रूलेनिया. ओके, नाउ कम टू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. तो अबाउट 700 स्पेसीज इसकी आप अभी तक जो है आइडेंटिफाई की गई हैं, एंड ये ट्रॉपिकल पार्ट में वाइडली प्रेजेंट हैं. इसकी कुछ अगर हम इंडियन स्पीसीज की बात करें तो फुलेनिया स्क्वेरोसा, रेट्यूसा, गोलानी, राइट, देन हिमालयनसिस, ग्रेसिलीमिया. इसकी कुछ एपिफाइटिक स्पीसीज भी प्रेजेंट है. तो एपिफाइटिक स्पीसीज मतलब ऐसी स्पीसीज जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करती हैं. राइट, ऐसी स्पीसीज जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करती हैं हम एपिफाइटिक कहते हैं. तो उसमें है म्यूसिकोला, पायरीफ्लोरिया. तो सबसे कॉमन जो है इंडिया में जो सबसे कॉमनली प्रेजेंट फ्रूलेनिया है, तो फ्रूलेनिया डायलेटा है. ओके, नाउ कम टू द मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजी ऑफ गैमेटोफाइट. तो हम पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं. तो थैलॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड है, प्रोस्टेट है, बाईपिनेटी प्रेजेंट है, और इसमें जो लीव्स होंगी वो थ्री रोज में प्रेजेंट होंगी. थ्री रोज में टू लैटरल रोज होंगी, टू वेंट्रल रोज एंड एक सिंगल रो होगी वेंट्रल लीव्स की. यानी का मतलब ये है कि जिसे आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर ये इनके एक्सेस है, मेन एक्सेस स्टेम जिसे हम बोल देते हैं, यहाँ पे स्टेम नहीं है, ब्रायोफाइटा है. राइट, स्टेम लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, ये मेन एक्सेस है. तो लैटरल लीव्स ऐसे देखने को मिलेंगी एंड एक वेंट्रल लीव्स जो यहाँ पे पूरे स्टेम को कवर्ड करती हुई थी. ठीक है, लैटरल लीव्स एंड वेंट्रल लीव्स. तो थ्री रोज ऑफ लीव्स प्रेजेंट हैं, टू आर लैटरल एंड वन इज वेंट्रल लीव्स, जिसे हम लोग अंडर लीव्स या फिर एम्फीगैस्ट्रिया बोलते हैं. तो जो लैटरल लीव्स में जो ऐसा लोब जो लार्जर लोब है उसे हम लोग एंटिकल लोब कहते हैं, और जो स्मॉलर लोब है उसे हम लोग पोस्टिकल लोब कहते हैं. राइट, जो अंडर लीव्स हैं उन्हें हम एम्फीगैस्ट्रिया कहते हैं. इसमें राइजॉइड्स यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल्ड अनब्रांच राइजॉइड्स प्रेजेंट होंगे. इसमें एक डिफरेंट स्ट्रक्चर स्टाइलस प्रेजेंट होता है, जो कि एक्सिस से एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये एक्सिस से अटैच होता है. सो दिस इज़ द डायग्राम. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लैटरल लीव्स हैं. ठीक है, दिस वन इज़ द लैटरल लीव्स
ओके और ये स्ट्रक्चर जो है ये स्टाइलस है जो कि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है एंड ये मेन एक्सिस को कवर करती हुई वेंट्रल लीव्स जिसे हम लोग एम्फीगैस्ट्रिया कहते हैं। ठीक है, ये लीव्स, ये डॉर्सल लीव जो लार्जर है इसे हम लोग कहते हैं एंटिकल लोब। राइट, इसे हम कहते हैं एंटिकल लोब। जो डॉर्सल लोब है उसे हम लोग कहते हैं एंटिकल लोब एंड जो स्मॉलर लोब है और वेंट्रल लोब से हम कहते हैं पोस्टिकल लोब। ओके, पोस्टिकल लोब, पोस्टिकल। नाउ कम टू द एनाटॉमी ऑफ एडल्ट गैमेटोफाइट। तो एनाटॉमी हम स्टेम की, लीव्स की वन बाई वन हम एनाटॉमी देखेंगे। तो स्टेम में जिसे हम, इससे पहले हम लोग मार्केंसियल्स के मेंबर्स को हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि ऐसे ये टीएस होगा और इसमें ऊपर का रीजन ये फोटोसिंथेटिक रीजन होगा और ये स्टोरेज रीजन होगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जब हम स्टेम कट करते हैं, ये हमने स्टेम कट किया तो उसमें हमें जो सेंटर में है वो मेडुलरी रीजन दिखेगा और जो बाहर है दिस इज़ द कॉर्टिकल रीजन। ओके, तो दिस इज़ द मेडुलरी रीजन एंड दिस इज़ द कॉर्टिकल रीजन। तो स्टेम की टीएस कट करने पर जो आउटर रीजन है उसे कॉर्टिकल एंड द इनर रीजन को हम लोग मेडुलरी रीजन बोलेंगे। जो कॉर्टिकल रीजन है वो थिक वॉल्ड सेल से बना होगा। जो लीफ है, लीफ की एनाटॉमी की बात करें, जब हम लीफ की टीएस कट करेंगे तो हमें वो सिंगल लेयर सेल दिखेगी, मतलब कि सिंगल लेयर ऐसे लीनियरली अरेंज होगा। तो ये है लीफ, राइट, सिंगल लेयर। देन स्टाइलस, इट इज़ ऑल्सो अ सिंगल लेयर। ठीक है, पिगमेंटेड होंगे, डार्क ग्रीन कलर के होंगे। ओके, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, इट इज़ द ग्रोथ। ग्रोथ की बात करें तो जो स्टेम सेल में जो ग्रोथ होती है पूरे प्लांट की या फिर पूरे स्टेम की या सारे पूरे प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो पिरामिडल एपिकल सेल से होती है। किससे होती है? पिरामिडल एपिकल सेल। अब पिरामिडल एपिकल सेल में थ्री फेसेस होते हैं, थ्री कटिंग फेसेस। अब पिरामिड बनाओ तो ऐसे पिरामिड बनता है, राइट, ऐसे, राइट, दिस वन इज द पिरामिड। तो यहाँ पे फोर फेसेस हैं। तो एक जो डाउनवर्ड फेज है, जो डाउनवर्ड फेज है वो तो स्टेम की साइड चला जाएगा, उसके बाद ये थ्री फेसेस बचे। तो जो डॉर्सल फेस है, राइट, जो डॉर्सल फेस है उससे हमें लैटरल लीव्स बनते हुए देखेंगे। जो वेंट्रल फेस है, जो नीचे की साइड फेस होगा, वहाँ से हमें एम्फीगैस्ट्रिया, जिसको हम लोग अंडर लीव्स भी बोलते हैं या फिर वेंट्रल लीव्स भी बोलते हैं, वो बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो पूरे प्लांट का ग्रोथ किससे होगा? पिरामिडल एपिकल सेल से, डॉर्सल एंड द लैटरल फेसेस लैटरल लीव्स एंड द वेंट्रल फेस जो है वो एम्फीगैस्ट्रिया बनाएगा। तब हम रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पे आते हैं। तो उसके इसमें रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के हैं, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वह फ्रैगमेंटेशन से, मतलब कि कोई भी प्लांट का पार्ट अगर डैमेज हो जाता है तो बचे हुए पार्ट में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो नए प्लांट को पूरा इंट्रोड्यूस कर सके, प्रोड्यूस कर सके। ओके, देन गिमा का भी इसमें ऑब्जर्व किया गया है, लाइक फिलेरिया डायलेटा में केवर्स ने ऑब्जर्व किया है कि इसमें जो मार्जिन हैं लीव्स की उसमें डिस्कॉइड गिमा प्रेजेंट है विच हैज़ इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट। ओके, देन एडवेंटिशियस ब्रांचेस एंड द कार्डिकस लीव्स जिसको बोलते हैं भी प्रेजेंट है। इसमें जो कार्डिकस लीव्स है उस पर वो एज अ प्रोपेग्यूल वर्क करती है और उसके थ्रू न्यू प्लांट्स बनते हैं। देन कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेप्सुअल रिप्रोडक्शन। फिलेरिया मे बी अ मोनोएशियस और अ डायोएशियस। मोनोएशियस मीन्स की जो एंथीरिडिया है एंड आर्चिगोनिया, राइट। मोनोएशियस मीन एंथीरिडिया एंड आर्चिगोनिया प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, वेयर इज अ डायोएशियस मीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट। तो ऐसी ब्रांचेस जिसमें ये रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो प्रेजेंट होता है, राइट, ऐसी ब्रांचेस जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है लाइक एंथीरिडिया एंड आर्चिगोनिया, उसे फर्टाइल ब्रांचेस कहते हैं। इन्हें मतलब ये कि आप वेजिटेटिव ब्रांच आपको अलग ही दिखेगी एंड फर्टाइल ब्रांच अलग ही दिखेगी, राइट। वेजिटेटिव ब्रांच में और फर्टाइल ब्रांच में आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो फिलेरिया के, ठीक है। तो जो फर्टाइल ब्रांच है उसे हम लोग ब्रैक्ट्स कहते हैं या फिर फर्टाइल ब्रांचेस कहते हैं। उनका सेफ साइज नॉर्मल ब्रांचेस से डिफरेंट होगा। ऐसी ब्रांचेस जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो लाइक एंथीरिडिया, उसे हम लोग पेरीगोनियल ब्रैक्ट कहते हैं। एंड ऐसी ब्रांचेस जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो या फिर हम उसे फीमेल ब्रांच या फिर पेरीकेटल ब्रैक्ट कहते हैं। सो दिस इज द डायग्राम विद सोर्स कि ये आपकी वेजिटेटिव ब्रांच है, राइट, ये वेजिटेटिव ब्रांच है और ये आपका एंथीरिडियल ब्रांच है। देन ये आपका फीमेल ब्रांच दिख रहा है, ये सिर्फ इंडिविजुअल फीमेल ब्रांच दिखाया गया। ये फीमेल ब्रांच में जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई होके एक कवर्ड स्ट्रक्चर बनाती है, इसे हम लोग पेरियंथ बोलते हैं, और इसी के अंदर आर्चिगोनिया प्रेजेंट है। देन कम टू द एंथीरिडियम। तो एंथीरिडियम स्पेशल सॉल्ट ब्रांचेस पे, जिसे हम लोग मेल ब्रांच या फिर एंड्रोएशिया कहते हैं, राइट, मेल ब्रांच या फिर एंड्रोएशिया कहते हैं। ओके, और जो मेल ब्रांच है उसमें
वो डिवाइडेड होती है टू लोब्स में, जो कि इक्वल साइज के टू लोब्स, मतलब वही लीव्स की दो टू लोब्स, मतलब ये हैं, ये एंथीरियल ब्रांच है तो इसमें टू लोब्स हैं, राइट। तो ये टू लोब्स में डिवाइडेड होती है। इसमें जो मैच्योर एंथीरियम की हम बात करें तो मैच्योर एंथीरियम में हमें स्टॉक देखने को मिलेगा एंड पूरी बॉडी देखने को मिलेगी। जो बॉडी है उसमें मास ऑफ सेल्स इंक्लोज्ड होंगे, जिसे हम लोग स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं या फिर एंड्रोगोनियल सेल्स बोलते हैं, राइट। यही स्पर्मेटोसाइट्स और एंड्रोगोनियल सेल्स जो है वो मेटामॉर्फोसिस करके बाइफ्लैजेलेट एंथेरोजॉइट्स बनाएंगे, राइट। और इसमें जो जैकेट है, वो सिंगल लेयर जैकेट सेल प्रेजेंट होगी, और जो जैकेट सेल है वो स्टराइल पोर्शन है। ये दिस जैकेट सेल जो है ये स्टराइल पोर्शन है, और ये स्टॉक सिलेंड्रिकल स्टॉक भी प्रेजेंट होगा, ओके। सो ये वही सारी चीज़ें बताएगी कि लॉन्ग स्टॉक एंड द स्पेरिकल बॉडी, ठीक है, लॉन्ग स्टॉक एंड स्टेपल बॉडी। जो स्टॉक है वो टू रोज ऑफ सेल से बनेंगे, एंड जो स्पेरिकल बॉडी इसमें एंड्रोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, जो कि सिंगल लेयर्ड स्टराइल जैकेट से कवर्ड होंगे। एंड दिस सिंगल लेयर्ड जो जैकेट्स है, जो सिंगल लेयर्ड जैकेट है, कवर किया है एंड्रोसाइट्स को। दीज एंड्रोसाइट्स मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द एंथेरोजॉइट्स, जो कि बायफ्लैजेलेटेड होंगे। देन आर्चिगोनिया में हम आते हैं, तो आर्चिगोनिया भी ये एपेक्स टर्मिनली प्रेजेंट होगी। देन आर्चिगोनियल ब्रांचेस, ऐसी ब्रांचेस जिसमें आर्चिगोनिया प्रेजेंट हो उसे हम लोग आर्चिगोनियल ब्रांचेस बोलते हैं। इसमें भी जो ब्रांचेस, मतलब जो एक पेरिकिटल ब्रैक्ट होगा उसमें 2 to 5 पेयर्स ऑफ आर्चिगोनियम प्रेजेंट होंगे। जो एंड जो स्ट्रक्चर होगा उसमें फ्लास शेप्ड आपको वेंटर दिखेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं फूट वेंटर। फ्लास शेप्ड जो बेसल रीजन है उसे हम वेंटर बोलेंगे, ठीक है, वेंटर। देन वेंटर केनाल सेल, दिस इज द वेंटर, वेंटर केनाल सेल एंड द नेक केनाल सेल, ठीक है। तो जो वेंटर केनाल वेंटर सबसे डिफरेंट जो कैरेक्टर है इसका, जिसकी वजह से इसको जंगर मैनुअल्स में रखा गया, तो इसमें नेक में जो है 5 वर्टिकल रोज प्रेजेंट होंगे। अभी तक हमने देखा कि मार्केन सीएस में 6 वर्टिकल रोज प्रेजेंट होंगी, लेकिन यहाँ पे जंगर मैनुअल्स में 5 वर्टिकल रोज प्रेजेंट होंगी। 5 वर्टिकल रोज मतलब कि ये आपका अगर नेक है, अगर हम ऊपर से देखें, राइट, तो ये आपका नेक है जो कि सर्कुलर होगा। इस नेक में आपको 5 रोज ऑफ सेल्स दिखेंगे, राइट, ये 5 रोज ऑफ सेल्स, और ये रो कम्प्लीटली, राइट, ये 5 रोज ऑफ सेल्स जो है मिलकर के नेक बनाएंगे, और हर इंडिविजुअल नेक में 5 to 8 सेल्स है। मतलब कि रोज 5 प्रेजेंट है, राइट, रोज 5 प्रेजेंट है, और हर रो में 5 to 8 सेल्स प्रेजेंट है। तो दिस इज़ अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर फॉर द मेंबर ऑफ द जंगर मैनुअल्स। देन कम टू द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि पहले या तो फर्टिलाइजेशन में, जैसा कि सारे ब्रायोफाइट्स में होता है, वाटर इज़ नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन। किस लिए? क्योंकि बिना वाटर के एंथ्रोजॉइट जो है वो डिस्पोज नहीं होगा, डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, राइट। एंथेरियल वॉल जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, एंथ्रोजॉइट जो है वो रिलीज नहीं होंगे, देन आर्चिगोनियम वो डिजेनरेट नहीं होगा, और एंथ्रोजॉइट आर्चिगोनियम के पास पहुंच नहीं पाएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि वाटर, जो कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वाटर, तो वाटर के थ्रू क्या होता है कि जो एंथीरीडिया, जो हमने यहाँ पे एंथीरीडिया देखा, राइट, ये एंथीरीडिया मेटामॉर्फोस होकर जब इसमें एंथ्रोजॉइट्स बन जाते हैं, तो जो इसकी वॉल्स हैं इस वाटर को एब्जॉर्व करके स्वेल करती हैं, एंड देन वॉल पे प्रेशर पड़ता है और वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है। जब वॉल डिसइंटीग्रेट हो गई तो एंथ्रोजॉइट जो है वो फ्री होकर के रिलीज़ हो जाते हैं वाटर में। अब जब वाटर में रिलीज़ हो गए तो ये, और उधर आर्चिगोनिया, मतलब इधर एंथीरीडिया के साथ ये हुआ कि उसकी वॉल जो है वाटर को एब्जॉर्व करके रप्चर करके और एंथ्रोजॉइट रिलीज़ हो गया वाटर में। उधर आर्चिगोनिया के साथ क्या रहा है, आर्चिगोनिया ने वाटर को एब्जॉर्व किया, जो उसमें नेक केनाल सेल्स या वेंटर केनाल सेल्स हैं वो डिजेनरेट करके एक पैसेज बना देती हैं, और उस पैसेज में से एक म्यूसिलेजिनस लिक्विड निकलता है, जो कि केमोटैक्टिक अट्रैक्शन का काम करता है फॉर द एंथीरीडिया। एंड देन इसी वाटर के थ्रू एंथ्रोजॉइट जाकर के एंथीरीड आर्चिगोनियम से फ्यूज कर जाते हैं, एंड दिस इज़ द प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस जिससे फर्टिलाइजेशन होता है, राइट, ठीक है। तो एंथीरीडिया में क्या हुआ, एंथीरीडिया में स्वेल किया, बर्स्ट किया, एंड एंथ्रोजॉइट लिपरेट हो गया। देन आर्चिगोनिया में भी जो एक्सियल सेल्स है, लाइक वेंटर सेल्स, वेंटर केनाल सेल्स, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे, देन म्यूसिलेज का फॉर्मेशन होगा, वो म्यूसिलेज बाहर रिलीज होगा, जो कि केमोटैक्टिकली वर्क करेगा फॉर अट्रैक्शन ऑफ द एंथ्रोजॉइट्स, एंड एंथ्रोजॉइट्स जो है आर्चिगोनियम के पास आएगा, देन फ्यूज होकर के वो क्या बना लेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन बना लेंगे। जाइगोट अब क्या है, जाइगोट उसी ब्रांच पे ही रहेगा, राइट, उसी प्लांट पे रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं, राइट, जैसे ब्रायोफाइटा या एल्गी, उसमें जो स्पोरोफाइट है, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। अब जाइगोट बन गया तो ऐसा नहीं कि जाइगोट कहीं रिलीज हो जाएगा या चला जाएगा, नहीं, जाइगोट प्लांट पे ही रहेगा, एंड वो पूरा अपना न्यूट्रिशन जो है गैमेटोफाइट से ही ले। तो हम स्पोरोफाइट की बात करते हैं, तो जाइगोट जो है वो फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट वर्क करता है। तो जाइगोट की अगर हम पोजीशन देखें तो वो प्रेजेंट कहाँ है,
आप पूरा अगर ध्यान दो तो एंथीरिडिया आया था किसके पास, आर्चिगोनिया के पास। वहाँ पैसे देखो, ये आपका, अगर ये आपका आर्चिगोनिया है राइट, ये आपका आर्चिगोनिया है, तो इसके पास कौन आया, एंथीरिडिया। फ्यूजन कहाँ हो रहा है, फ्यूजन कहाँ हो रहा है, फ्यूजन आर्चिगोनिया के अंदर हो रहा है। तो जाइगोड भी कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा, जो आर्चिगोनियल ब्रांच है वहीं पे जाइगोड बनेगा राइट। तो अब वो पूरा सेल जो है वो मेच्योर हो गया राइट, पूरा जो जाइगोट हो गया, फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन के बाद जो सेल्स थे वो मेच्योर हो गए, वो मेच्योर होने के बाद एम्फीथीशियम बनाएंगे, एम्फीथीशियम जो कि मिडिल लेयर है, देन इनर लेयर एंडोथीशियम बनाएंगे राइट। तो ये पूरा आपका धीरे धीरे क्या बन रहा है, ये कैप्सूल राइट, ये पूरा कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें जो फर्टाइल सेल्स हैं राइट, उसमें जो फर्टाइल सेल्स हैं, फर्टाइल सेल्स जो है वो स्पोर्स बना लेंगी, फर्टाइल सेल्स स्पोर्स बना लेंगी, और जो स्टराइल सेल्स हैं वो क्या बनाएंगी, वो इलेटर्स बनाएंगी। इलेटर्स कैसा, एक स्टराइल स्ट्रक्चर है राइट, जो कि वॉल्स पे, कैप्सूल के वॉल्स पे प्रेशर लगाता है और उसके डिस्पर्सल में हेल्प करता है। अब आप ऐसे देख सकते हो कि जो आर्चिगोनियम का वो जो है वो बाद में फूड सीटाइन कैप्सूल में कन्वर्ट हो जा रहा है, और जो कैप्सूल है वो ऐसे मान लेते हैं ऐसे बचा हुआ। तो इसमें जो लाइन ऑफ डाइसेंस है, दिस इज़ द लाइन ऑफ डाइसेंस, क्या है, लाइन ऑफ डाइसेंस। जब कैप्सूल जो है ड्राई हो जा रहा है, ड्राई होने के बाद ये जो इलेटर्स हैं वो भी अंदर के ड्राई हो जा रहे हैं, तो इलेटर्स जो है वो थोड़े से इरेक्ट हो जा रहे हैं और वॉल्स पे प्रेशर लगा रहे हैं। वॉल्स पे प्रेशर लगाने के बाद ये जो लाइन ऑफ डाइसेंस है यहीं से ये डिस्पर्स होकर के ऐसे आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ बॉर्डर पर आपको इलेटर्स अटैच मिलेंगे, और यही काम इलेटर्स का, कैप्सूल का डिस्पर्सल में हेल्प करना राइट। आप इसमें देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो ये आपके स्टराइल सेल्स हैं जो कि इलेटर्स हैं, और बीच में फर्टाइल सेल्स भी हैं जो स्पोर्ट्स का काम कर रहे हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्लियरली दिखा है कि किस तरीके से ये इलेटर्स जो हैं ये अटैच हैं, ठीक है। इलेटर्स जो है कैप्सूल के इनर सरफेस पे अटैच रहते हैं, और जब ये ड्राई हो जाते हैं तो इरेक्ट हो जाते हैं और प्रेशर लगाते हैं राइट। और ये डिस्पर्सल के बाद का है, डिस्पर्सल के बाद का है, और ये इलेटर्स की पोजिशन है जिस पे इन्होंने प्रेशर लगा करके ओपन कर दिया, लाइन ऑफ डाइसेंस से अब ये ओपन हो गया है। नाउ कम टू द डाइसेंस ऑफ कैप्सूल, जो मैं पूरा एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछता है कि स्पाइरल स्प्रिंग मैकेनिज्म, जो डिस्पर्सल का पूरा प्रोसेस है वो स्पाइरल स्प्रिंग मैकेनिज्म हम इसे कहते हैं, क्योंकि जो आप एक तरीके से स्प्रिंग जैसे प्रेशर लगाती है अचानक से राइट, अचानक से एक्सपैंड कर जाती है, ठीक उसी तरीके से इलेटर्स जो है श्रिंक होकर के पड़े रहते हैं कैप्सूल के अंदर, लेकिन जब वो ड्राई होते हैं तो अचानक से इरेक्ट हो जाते हैं। सपोज़ ये ऐसे बेंडेड बेंडेड पड़े हैं राइट, लेकिन जब इनके ऊपर जब ये ड्राई हो गए और इरेक्ट हो गए तो ऐसे प्रेशर लगा दिया, तो ये हो गया कि जैसे स्प्रिंग अचानक से झटका देती है वैसे ये। तो जिससे दैट्स वाई दिस मैकेनिज्म इज़ नोन एज द स्पायरल स्प्रिंग मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, ठीक है। देन जर्मिनेशन ऑफ स्पोर एंड डेवलपमेंट, अब स्पोर क्या हो गया, रिलीज़ हो चुका है। अब स्पोर रिलीज़ हो गया है तो कहीं पे भी फॉल होगा तो वहाँ पे उसका जर्मिनेशन होगा, लेकिन स्पोर का जर्मिनेशन जो है वो कैप्सूल के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, और वो जो कैप्सूल के अंदर जब स्टार्ट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोटोनेमल गैमेटोफाइट या फोटोनेमल स्टेज, ठीक है। फिर फर्दर वो आगे जाकर के रिलीज़ होता है किसी सबस्ट्रेटम पे, किसी सॉइल पे, रॉक पे, कहीं पे भी, तो वहाँ पे वो फर्दर अटैचमेंट के लिए राइजॉइड्स बनाता है। याद रहे कैसे राइजॉइड्स, स्मूथ वॉल राइजॉइड्स, क्योंकि जिंगल मैनुअल्स का मेंबर है, इसमें ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स और स्केल्स दोनों ही एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो ये इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल जो अभी तक हमने देखी, तो ये ऐसे है कि फ्रीनिया जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फिर वो चाहे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो या फिर गेमा के थ्रू हो, एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू हमने पढ़ा, तो ये सारे ही जा करके वापस से फ्रीनिया के प्लांट को बना ले रहे हैं, ठीक है। ये फ्रीनिया का प्लांट जो था ये भी एन है, एंड ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करके बनाएंगे वो भी एन है, हैप्लॉइडी उनकी हैप्लॉइड है दोनों ही। फिर हम आते हैं पूरी इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो क्या हुआ कि फ्रुगेनिया में मेल ब्रांच या फीमेल ब्रांच, मोनोएशियस हो या डायोशियस है, मोनोएशियस होंगे तो मेल ब्रांच फीमेल ब्रांच सेम प्लांट पे प्रेजेंट होगी, अगर डायोशियस है तो वो डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होंगे। तो जैसे भी हैं, जो फीमेल है वो आर्चिगोनिया बनाएगा और जो मेल है वो एंथीरिडिया बनाएगा।
जो आर्चिगोनिया में से हमें एग मिलेगा एंड एंथेरिडिया हमें एंथ्रोजॉइट्स देगा, कैसे, बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइट्स, दोनों में फ्यूजन हुआ, सिनगैमी हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये 2N में कन्वर्ट हो चुके हैं, राइट, 2N से अब क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जो है, जाइगोट हमने पढ़ा ना कि जो जाइगोट है उसका क्या कहते हैं, उसका जो जाइगोट का जो जाइगोट फर्दर जो है आपका मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद जो उसके अंदर के फर्टाइल सेल्स हैं वो स्पोर मदर सेल बनाएंगे और जो स्टराइल सेल्स हैं वो इलेटर्स बनाएंगे, ठीक है, जो स्पोर मदर सेल्स हैं वो फर्दर मियोसिस होकर के स्पोर्स बनाएंगे एंड देन ये फुलेनिया कंप्लीट हमें फिर से मिल गया। तो ये सारी जनरेशन जो 2N है उसे हम लोग स्पोरोफाइट कहते हैं और ऐसी जैसे N है उसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं। सो ये राइट, ये हुआ पूरी कंप्लीट साइकिल एंड दैट्स ऑल। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द चैनल, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट एंड ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन विच टॉपिक डू यू वॉन्ट द नेक्स्ट।